और आइए सीधा आपको लेकर चलते हैं गुजरात के केवड़िया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, संबोधित कर रहे हैं। बहुत परेशान है भारत के भीतर और भारत के बाहर भी, ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। पांच पांच दशक तक इसी गंदी गिनोनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें
कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। हर झूठ का मुकाबला करना है, एकता के मंत्र को जीना है। और ये मंत्र, ये एकता, ये तेज आर्थिक विकास के लिए भी, विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एकता सामाजिक सद्भाव की जड़ी बूटी है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे सामाजिक न्याय को समर्पित है, सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकता है, तो एकता सबसे पहली पूर्व शर्त है। एकता बनाए रखना है, ये बेहतर सुविधाओं के निर्माण के लिए बिना एकता को गाड़ी चल नहीं सकती है। ये नौकरी के लिए, निवेश के लिए एकता जरूरी है। आइए हम एक होकर एक साथ आगे बढ़े। एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कहूंगा सरदार साहब, आप सब बोलिए अमर रहे, अमर रहे। सरदार साहब, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता का संदेश दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जम्मू कश्मीर ने अलगाववादियों को नकार दिया है, आतंकी आकाओं को देश छोड़ना होगा। आज नक्सलवाद भारत में अंतिम सांस ले रहा है। सभी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं।